मुझे आए तो आज सबको समझ में आ गया कोई डाउट ये दिमाग में इसको डाउट स्पेक्ट्रम नो कुछ क्वेश्चन जिसके हमने डिस्कस कर लिए थे आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन लिखेंगे मौखिक के पहले दो लिखित के पहले दो और ख पाठ के पहले दो ठीक है दो 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 लिखेंगे। आपको पता है पढ़ना पूरा चैप्टर है कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है ठीक है। नहीं ठीक है क्वेश्चन इज चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं किस तरह की कमजोरी साधारण आदमी धर्म के नाम पर जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाता है उसके लिए धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है और उसके अज्ञानी होने का लाभ भी चालाक लोग उठाते हैं। जो साधारण लोग हैं वो धर्म के नाम पर जान लेने और देने के लिए तैयार हो जाते हैं उनके लिए धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है वे अज्ञानी है और उनकी इस अज्ञानता का ही लाभ चालाक लोग उठाते हैं। आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं दिखने दे रहा अगर आप घंटों बैठकर पूजा पाठ करते हैं लेकिन दिन भर दूसरों को तकलीफ देते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो ऐसे ऐसे धर्म को आने वाला समय कितने नहीं देगा। हमने कल पढ़ा था ना कि धर्म कहते हैं सदाचारी बनो है ना और शुद्ध आचरण होना चाहिए। अगर आप घंटों बैठकर पूजा पाठ करते हैं और आपको व्यवहार अच्छा नहीं तो ऐसा करने में नहीं ठीक है तो इसका आंसर यही है कि यदि आप घंटों बैठकर पूजा पाठ करते हैं लेकिन दिन भर दूसरों को तकलीफ देते हैं और दुख पहुंचाते हैं तो ऐसा व्यवहार ऐसा धर्म आने वाला समय नहीं मिलेगा। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा गया नहीं हाँ जी हाँ वेरी गुड पेज नंबर 64 लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड्स पेज नंबर 64 लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड्स वह दिन अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को काम दिया जाना आवश्यक समझा गया था। कौन सा दिन सबसे बुरा था वह दिन सबसे बुरा था जब स्वाधीनता के दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में मुल्ला मौलवियों और धर्म आचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया था। क्लियर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन या नोट गोइंग टू डू कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं जस्ट बताओ जो लोग नास्तिक हैं लेकिन दूसरों की सहायता करते हैं अच्छे काम करते हैं और समाज में एक अच्छा वातावरण बनाए रखते हैं उनका शुद्ध आचरण है और वे सदाचारी हैं वे लोग धार्मिक लोगों से ज्यादा अच्छे हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले बीच व्यापार को कैसे रोका जा सकता है जो होना
ओके ओके। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीष्ट व्यापार को रोकने के लिए और उत्साह के साथ शुद्ध आचरण और सदाचार से अपनाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नाश न जाए तो भारत में फैली हुई अराजकता को दूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भारत देश, भारत वर्ष, हमारा देश भारत, अराजकता मतलब लड़ाई झगड़े, अराजकता का माहौल, लड़ाई झगड़ों का माहौल। क्लियर? चलो आगे। कीर्तिमा हरमीत, एनी डाउट्स? नो? ओके। बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार है? लोगों का खून चूसकर लोग अमीर हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा था, पाश्चात्य देशों में ऐसा होता है, लेकिन भारत में बुद्धि पर मार है जो सबसे बुरी है, उसका क्या मतलब है? हाँ जी, हमने ये लाइन भी लिखी सिंपल। मुझे ये बताओ कि धर्म पर मार, बुद्धि पर मार का क्या मतलब है? हाँ ठीक है। जब आम आदमी की या साधारण लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर, जब साधारण लोगों की बुद्धि पर धर्म के नाम पर पर्दा डालकर लोग आत्मा और ईश्वर के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, चालाक लोग जब धर्म के नाम पर साधारण लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उसे बुद्धि पर मार कहा जाता है। जब स्वार्थी लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते, जब स्वार्थी लोग साधारण लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, ईश्वर और आत्मा के नाम पर उन्हें भड़का कर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं या अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और उन्हें लड़ने मरने के लिए तैयार कर देते हैं और उन्हें ये समझा देते हैं कि धर्म के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है, तो ये साधारण लोगों की बुद्धि पर मार कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर? कीर्तिमा हरमीत, क्लियर? बुद्धि पर मार का मतलब है कि बुद्धि को नष्ट कर देंगे। जो साधारण लोग हैं वे धर्म के नाम पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, वे अज्ञानी है। हाँ, और जो स्वार्थी लोग हैं उन्हें गलत तरीके से धर्म के नाम पर भड़का देते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, यही उनकी बुद्धि पर मार है। ठीक है, नेक्स्ट इज, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? धर्म की भावना क्या होनी चाहिए? हाँ जी लीजा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ जी, आत्मा को
हाँ ठीक है, पेज नंबर 64, थर्ड पैराग्राफ। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उस प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगा ले। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच संबंध हो, आत्मा को शुद्ध किया जाए, जो व्यक्ति जिस तरह से धर्म को मानना चाहे वैसे मान सके। यही सब लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना है। लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए, धर्म की भावना क्या होनी चाहिए, कि आपस में लड़ाई चक्कर झगड़े ना हो, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, ईश्वर और आत्मा के बीच में संबंध होना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति जिस तरह से धर्म को मानना चाहे वह मान सके। हाँ, आचरण सुधारने पर बल दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा धर्म को मानना चाहे वैसा मान सके। ठीक है, और आत्मा और ईश्वर के बीच में संबंध होना चाहिए। That's it. ठीक है ब्रिजेश, आज कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार इन आउट हो रहे हैं बेटा। ओके एक्सक्यूज मी मैम, मम्मी कहाँ तक है आपने बोला बेटे? ये मैंने दिखाया है, पेज नंबर 64 पर है, थर्ड पैराग्राफ में इसका आंसर। आप अपने वर्ड्स में लिखो, सिर्फ ये समझो कि लेखक के अनुसार धर्म की भावना क्या होनी चाहिए। लेखक क्या कहता है कि धर्म क्या होना चाहिए? लेखक कहता है धर्म क्या होना चाहिए, जो ईश्वर और आत्मा के बीच में संबंध बना दे, किसी पर धर्म को थोपा ना जाए, जो व्यक्ति जिस तरह से धर्म को मानना चाहे वह माने, और लोगों का आचरण शुद्ध और सदाचारी होना चाहिए। क्लियर क्लियर कितनी माँ, एनी डाउट बेटे? ठीक है चलो, नेक्स्ट इज महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए, पेज नंबर 65, सेकंड पैराग्राफ। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, वे एक पग भी धर्म के बिना नहीं चलते, परंतु उनके अनुसार प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह भली भांति धर्म के स्वरूप को समझ ले। धर्म का मतलब है ऊंचे और उदार तत्वों वाला बनना। महात्मा गांधी के क्या विचार है? महात्मा गांधी जो है वो धर्म के बिना एक पग भी नहीं चलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि उनके अनुसार धर्म का स्वरूप क्या है। उनके अनुसार धर्म का मतलब है ऊंचे उठना और उदार तत्वों वाले बनना। ऊंचे उठना और उदार तत्वों वाले बनना। गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है? गांधी जी धर्म के बिना एक कदम भी नहीं चलते। उनके अनुसार धर्म सब जगह है, लेकिन हर व्यक्ति को उनके धर्म को समझना होगा। गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ है उनके उठना और उदार तत्वों वाले। क्लियर क्लियर बेटा। नेक्स्ट, सबके कल्याण के लिए अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? सबके कल्याण के लिए अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? ओके गुड। ओके, अगर हम इसको अपने शब्दों में लिखें कि सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम खुद को नहीं सुधारेंगे तो दूसरों के साथ अपना व्यवहार भी नहीं सुधार सकते।
अगर हम अपना आचरण शुद्ध नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी शुद्ध आचरण के लिए नहीं समझा सकते। यदि हम खुद नहीं ठीक है तो हम किसी को ठीक नहीं कर सकते और समाज के कल्याण के काम हम नहीं कर सकते। यदि हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा तो हम लड़ाई झगड़े में ही पड़े रहेंगे और उससे समाज कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें अपने आप को सुधारना जरूरी है। महात्मा गांधी कहते हैं अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको खुद को पहले बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो खुद को सुधारना जरूरी है। इससे रिलेटेड मुझे कहानी आ रही भलाई। एक व्यक्ति है वो अपने गुरु के पास जाता है। गुरु से कहता है कि मुझे ना डायबिटीज है लेकिन मैं ना मीठा खाना नहीं छोड़ पा रहा। मैं कैसे छोड़ू मीठा खाना कैसे छोड़ू? गुरु जी कहते हैं कि अच्छा तुम ना एक हफ्ते बाद मेरे पास आना। एक हफ्ते बाद जाता है। गुरु जी कहते हैं दो तीन दिन बाद आना फिर बताऊंगा। दो तीन दिन बाद फिर जाता है। फिर गुरु जी कहते हैं चार पांच दिन बाद आना फिर तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा उपाय कि तुम्हें कैसे मीठा छोड़ना। फिर चार पांच दिन बाद जाते गुरु जी अब तो बता दो। गुरु जी उपाय बता देते कि अपने मन पे काबू कर लो। तुम ये सोच लो कि तुमने ये नहीं करना तुमने नहीं खाना। तुम्हारे पास कोई आए मीठा लेकर आए तो तुमने सिर हिलाना है कि मैंने नहीं खाना। बस उसमें अड़े रहो। उसने कहा ये तो मुझे ठीक था आप ये उपाय मुझे पहले भी तो बता ही सकते थे ना। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ऐसा कुछ। वो कहते जब तुम मेरे पास अपनी समस्या लेकर आए थे ना तो मैं भी उस समस्या में था। मैं भी बहुत मीठा खाता हूँ। मैंने तुम्हें ये उपाय 20-25 दिन बाद बताया क्योंकि इतने दिनों में मैं खुद उसमें से बाहर निकला। मैंने खुद अपने में सुधार किया तभी मैं तुम्हें सुधार सकता हूँ। तुम्हें भी उपाय बता सकता। तो दूसरों के कल्याण के लिए खुद को सुधारना इसलिए आवश्यक है ताकि हम दूसरों को भी उस सही रास्ते पर ला सकें। क्लियर? अभी कहानी नहीं लिखनी इस आंसर सीधा सीधा उत्तर लिखने के समझाने के लिए। ठीक है तो जो मेरे में समस्या है वो मैं ठीक करूं पहले फिर मैं किसी दूसरे को समझाऊं। ठीक है, तो दिस इज द चैप्टर। ओके, ये हमने पार्ट पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर भी किए। किसी को इसमें कोई डाउट है? नो। चलो आगे पे अगला शुरू करें काम। ओके, मुझे एक बात बताओ आपकी घर में पूजा पाठ होता है? कैसे करते हैं? दिया जलाते हैं? दिया जलाते हैं क्या? अगरबत्ती जलाते हैं? और कौन अगरबत्ती जलाते हैं? आप में से किसी के घर में अगरबत्ती जलाई जाती है? ब्रिजेश अमीर कीर्तिमा इसके घर में अगरबत्ती जलाई जाती है? कीर्तिमा अनम्यूट कर दी। दिया भी और अगरबत्ती भी। दिया भी और अगरबत्ती। ओके, ब्रिजेश ने भी काम शो किया कि हमारे घर में भी जलाते हैं। उसकी खुशबू कैसी होती है? अगरबत्ती भी अच्छी होती है? अच्छी होती, बस अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। खुशबू मतलब बस जाती है हमारे अंदर, अच्छी लगती है। हाँ या ना? यस मैम। कभी ये सोचा कि अगरबत्ती कौन बनाता है? आदमी। कैसे आदमी? फैक्ट्रियों में हमारे जैसे लोग वो बनाते हैं। साधारण लोग हमारे जैसे लोग बनाते हैं। कोई खासियत होती है वो कला आती है
फैक्ट्री में बनाते हैं, फैक्ट्री में मालिक बनाते हैं, वर्कर बनाते हैं, वर्कर है। किस तरह के वर्कर होते हैं जो उस काम में परफेक्ट होते हैं? ओके, कुछ और सोच सकते हैं हम उनके बारे में? केमिकल्स किस देशों में मिलाया जाए, कैसी जिंदगी जीते हैं हम लोग हमारे जैसे? जीवन कैसा होता है? उनकी जिंदगी जरूरी नहीं है कि अगरबत्ती की तरह खुशबू दे। आर्यन ने कितनी बढ़िया बात की, वेल डन आर्यन। जरूरी नहीं है कि उनकी जिंदगी अगरबत्ती की तरह खुशबू दे। तो कैसी जिंदगी होती होगी उनकी? अच्छी नहीं होती होगी। क्या अच्छा नहीं होता होगा? हम ये आगे की कविता में पहले जा रहे हैं। कविता का नाम है खुशबू रचते हैं आप। खुशबू रचते हैं हार। निकालो इंडेक्स को, देखो ऐसे हार जो खुशबू रचते हैं। आप सबने कहा कि बहुत अच्छी खुशबू होती है जो हमारे रोम रोम में समा जाती है। ऐसे खुशबू, ऐसे हाँ खुशबू को रचते हैं। ऐसी खुशबू जो हमारे भीतर तक पहुंचती है, बहुत अच्छी। और वो हाथ कैसे जो उस खुशबू को रचते हैं? रचते मतलब बनाते हैं, जो उस खुशबू को बनाते हैं वो हाथ कैसे है? ये जो कविता है ये अरुण कमल जी द्वारा लिखी गई है। अरुण कमल के कवि है, बहुत ही प्यारी कविता है। पेज नंबर 121 निकालो। कविता के बारे में थोड़ा सा लिखा है, वो पढ़ेंगे। खुशबू रचते हैं हाथ, सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्थानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। ऐसे लोग जो हमारे समाज को खुशबूदार बना रहे हैं, है ना, और खुद कैसा जीवन जी रहे हैं। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक? कविता पढ़ रही हूँ, पढ़ती समझ में आ जाएगी। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से पटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यही इस गली में बनती है मूल की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों में गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्ती। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया के सारे खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं। समझ में आई? कितना साफ कविता, लेकिन कितना गहरा अर्थ। ऐसे लोग जो समाज को खुशबू दे रहे हैं। हम लोग अपने घर महकाते हैं अगरबत्ती में,
फैक्ट्रियों से आते आ रहे होते हैं, वर्कर काम करते हैं, लेकिन वो वर्कर पैसे नहीं, कैसे जिंदगी जी रहे हैं? हमारे घर महकाने के लिए, समाज को एक सुंदर वातावरण देने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन खुद ऐसा जीवन जीते हैं? कई गलियों के बीच, कई नालों के ऐसे लोग जो अगरबत्तियां बनाते हैं, कई गलियों के बीच उनके मकान छोटे छोटे, कई नालों के पास, नालों के पास, नालों में उनके घर हैं। कूड़े करकट के ढेरों के बाहर, कूड़े करकट के ढेरों के पास रहते हैं। बदबू से पटते जाते इस टोले के अंदर, ऐसे इलाकों में उनके घर है जहां बदबू आती है, जहां हम पल भर खड़े भी नहीं हो सकते, और वो ऐसे घरों में जीवन जीते हैं। खुशबू रचते हैं हम, ऐसे टोलों में रहते हैं, ऐसे टोलियां बनाकर रहती हैं, जहां कूड़े करकट के ढेर हैं, जहां बदबू ही बदबू है, जहां पर पल भर के लिए रुकना भी भयावह स्थिति पैदा कर देता है, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे जगहों पर वो रहते हैं जो खुशबू रचते हैं। उभरी नसों वाले गांव, उभरी नसों वाले आपके पास जिनके हाथों से नसें निकल आई, ऐसे लोग, बूढ़े लोग अगर बिछने हैं, जिसे नाखूनों वाले हाथ, नाखून खिल जाते ना, जिसके नाखून घुसे हुए होते हैं, तो बहुत काम करे, मेहनती लोग, श्रेष्ठ लोग, ऐसे हाथ बहुत ही मेहनत करते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, मतलब बच्चे नए नए पीपल के पत्ते बड़े कॉमन होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जाते हैं, टूटते नहीं है ना। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, कोमल बच्चे, वो भी अगर बच्चे छोटी छोटी उंगलियां चाहे जूही की डाल से खुशबूदार, जवान लोग जूही की डाल से जब कलियां निकलती जवान जवान सब लोग लगे हो नगर बत्तियों को बनाने। गंदे पिटे पिटे हाथ, काम कर करके हाथ उनके हो जाते हैं, कट फट जाते हैं, कटे पिटे हाथ, इतना काम करने से हाथों में कट कर जाते हैं, वो कट जाते हैं, ऐसे जख्म से पटे हुए हाथ, चोट लगे हुए हाथ, जख्म वाले हाथ, किसी को अपने पति से मार पड़ती होगी, किसी को पिता से मार पड़ती होगी, किसी को मालिक से मार पड़ती होगी, ऐसे जीवन को जीते हैं, ऐसे हाथ, जख्म वाले हाथ, चोट लगे हुए हाथ, लेकिन खुशबू रचते हैं, लेकिन ये हाथ फिर भी खुशबू रचते रहते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हें गली मोहल्लों में अगरबत्तियां जो सारी दुनिया में मशहूर होती है, किस किस तरह की बनती है, बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्ती। हम कुछ खरीदते जाते हैं तो फ्लेवर देते हैं, ये फ्लेवर पसंद, इस फ्लेवर की चीज है, इस फ्लेवर की है ना, रोज फ्लेवर की अगरबत्ती, अलग अलग खुशबुओं की अगरबत्तियां बनाते हैं, जो खुद बहुत ही मार्मिक जीवन जीते हैं। मार्मिक मतलब जिसमें दुख है लेकिन फिर भी खुशबू रचते रहते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं। ऐसी गंदगी में रहते हैं जब खड़े नहीं हो सकते, ऐसे
ढेरों के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी खुशबू रचते हैं, खुशबू रचते हैं आप, खुशबू रचते हैं। ऐसे लोगों के जीवन की चर्चा है जो खुद अभावों में जीते हैं, जिनके जीवन में अभाव है, कमियां है, और भी मार्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के घर बहकाने के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। Any doubt beta? All clear? चलिए बेटा, बाकी इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।